नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल चार विधायक जब टूटकर ओवैसी की पार्टी से राजद में गए तो सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया वो ये था कि आखिर जब विधायक भागते हैं तो विपक्ष से सत्ता पक्ष की तरफ भागते हैं, सरकार जिस तरफ बननी होती है उस तरफ भागते हैं, ये नेचुरल फ्लो नहीं है राजनीति का। ऐसा कैसे हो गया कि विपक्ष से ही विपक्ष में विधायक भाग कर गए? आखिर क्या मोटिवेशन था उनके पास? देखिए, हमने कल पंचनामे में समझाने की कोशिश की, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की, किस तरीके से देश में एक सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, भाजपा को रोकने के लिए मुसलमानों को एकजुट होना होगा, ये कहीं ना कहीं एक दिख रहा है रास्ता। अब चूंकि बिहार में ओवैसी उतना मजबूती से राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से इन मुसलमान विधायकों को एक रास्ता चाहिए जिससे वो भाजपा को चुनौती दे सके, और बिहार में राजद से बेहतर भाजपा को चुनौती देने वाली कोई पार्टी नहीं। लेकिन यही एक कारण नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत सारा कारण है। देखिए, 80 विधायकों के साथ राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। सत्ता प्राप्ति के आंकड़े से मात्र 7 विधायक दूर राजद जैसे ही इस आंकड़े को प्राप्त कर लेगी, बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनकर बिहार की सत्ता राजद के हाथ में चली आएगी, और ये सत्ता का हस्तांतरण किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार और सियासी गलियारों के चाटुकार बता रहे हैं। अब जरा जान लीजिए, बिहार में समीकरण पलटते ही इन नेताओं की चांदी हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो भाजपा ने शहनवाज हुसैन को सामने लाकर किसी तरीके से माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। अब जान लीजिए, जब आग ही नहीं लगा तो फिर आग बुझाने के दमकल क्यों बुलाया जा रहा है, शहनवाज हुसैन को सामने क्यों किया जा रहा है? जदयू के लोग बहुत खुश हैं, जदयू के लोग खुश इसलिए भी हैं, पर्दे के पीछे बता रहे हैं कि भाजपा जो बादशाहत और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भर रही थी उसको बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब भाजपा ये तो कम से कम नहीं कहेगी कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि पर्दे के पीछे सारे खेल को नीतीश कुमार ने खुद ही लिखा है, यानी स्क्रिप्ट उनका लिखा हुआ है, अलग अलग किरदार उस रोल को प्ले कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ भी हो सकता है, कारण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात जान लीजिए, जहां ये सारे दल बिहार की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर दे रहे थे, वहीं मुकेश सहनी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति ने खुशी जताई, उन्होंने बताया कि भाजपा जिस तरीके की राजनीति तोड़जोड़ की पूरे देश में कर रही है, अब उसको बिहार में उसका मजा खुद मिलने जा रहा है। एक तरफ जहां राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वहीं भाजपा निचले पायदान पर चली आई। इतना ही नहीं, भाजपा के कई लोग संपर्क में हैं, ये भी बोलकर सनसनी फैला दी गई। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी इतना खुश क्यों है? मुकेश सहनी की पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, समझ लीजिए। देखिए, कायदे से 80 विधायकों के साथ राजद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार आज उठकर आते हैं तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। पर्दे के पीछे आपको यह भी पता है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में सब कुछ तय हो चुका है। चूंकि चुनाव सामने नहीं है इसलिए कोई रणनीति अब तक बनी नहीं है, लेकिन ये बात मुकेश सहनी ने अपने मुंह से भी कह दिया है कई बार कि उन्हें लालू यादव के साथ रहने में कोई परहेज नहीं है। भाजपा के साथ रहकर उन्होंने देख लिया, भाजपा ने जो किया था वो पर्दे के पीछे का खेल था और पर्दा जलाने के लिए वो माहिर जाने जाते हैं। ऐसे में साफ बात यह है कि जो विधायक आवश्यक हैं सरकार बनाने के लिए बिहार में, उनमें से 4 विधायकों की व्यवस्था मुकेश सहनी कर सकते हैं। आपको पता है, बार बार मुकेश सहनी की मुलाकात होती रहती है बिहार की सरकार के एक बड़े हिस्से, एक बड़ी पार्टी जो कि NDA गठबंधन का हिस्सा है, जीतन राम मांझी की हम की, उनके 4 विधायक हैं, उनके 4 विधायक और उनकी पार्टी से लगातार मुकेश सहनी की मुलाकात होती रहती है। ऐसे में जिन विधायकों की आवश्यकता सरकार बनाने को लेकर है, उनकी जो उनका जो जुगाड़ है वो मुकेश सहनी कर सकते हैं। मुकेश सहनी वो रास्ता बन सकते हैं, वो जरिया बन सकते हैं जिसके माध्यम से NDA में बचे हुए विधायकों को जो सरकार बनाने के लिए महागठबंधन चाहिए उनका व्यवस्था किया जा सकता है। ये इसलिए भी होगा क्योंकि मांझी जी से लगातार मुलाकात मुकेश सहनी की होती रहती है, दोनों का टर्म्स बहुत बढ़िया है। जिस वक्त मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने पर्दे के पीछे खेला करके विधायकों को तोड़ा था, उस वक्त भी मांझी खून का घुट पीकर रह गए थे और कई बार ये बात वो कह चुके हैं कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ नाइंसाफी हुई वैसे ही मेरे साथ NDA में किया जा रहा है, मेरे साथ हर बार ऐसा किया जाता है जैसे मैं NDA का हिस्सा हूँ ही नहीं,
चाहे राज्यसभा भेजने की बात हो, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे कोई भी फैसला करना हो, बार बार बिहार में एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो, इन सब को सिरे से नकार दिया जाता है। एमएलसी चुनाव में सीट देने तक को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनके बाद आई हुई पार्टी, उनके बाद बनी हुई पार्टी को, यानी पशुपतिनाथ पारस वाली पार्टी को एक एमएलसी की टिकट दी गई, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में हुआ है उनके हिसाब से, और भाजपा और एनडीए गठबंधन को झटका देने के लिए कभी भी वो तैयार हो सकते हैं। वैसे भी माझी जी जो हैं वो सत्ता परिवर्तन और नए युग के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी अगर उनके विधायकों को इस पाले में लेकर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।